हे गाइस, आफ्टर ऑल मोटो ने लॉन्च किया मोटो का वन फ्यूजन प्लस। तो ये फोन जो है 17,000 रुपए में इंडिया में लॉन्च हुआ। मैं ये फोन को देखकर काफी आश्चर्य हूँ, क्योंकि ये फोन 17,000 रुपए में जिस तरह का स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं वो देखकर काफी आश्चर्य होना एक नॉर्मल बात है, क्योंकि मोटोरोला जो ब्रांड है ये फोन तो अच्छा निकलता है बट प्राइस जो है थोड़ा अच्छा ज्यादा होता है। बट इस बार जो है प्राइस जो है जो एक्सपेक्ट किया गया था उससे भी नीचे हम लोगों को देखने को मिला। 17,000 रुपए में 6+128GB इसका वेरियंट देखने को मिल रहा है। 24 जून से इसका पहला सेल आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो है काफी कमाल का तो फोन है, और ये फोन सीधा कॉम्पीट कर रहे 3 स्मार्टफोन के साथ। मोटो वन फ्यूजन प्लस कॉम्पीट करेगा रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स, पोको का H2 एंड रियलमी का 6 प्रो। ये थी फोन के साथ ये तो कॉम्पीट करेगा, एंड मार्केट में आने वाली टाइम में एक काफी बड़ा मार्केट शेयर भी गेन करेगा मोटोरोला ये फोन की जरिए। तो देख लेते हैं ये फोन का क्या स्पेसिफिकेशन है, कौन से एरिया में प्राइस कट किया ये प्रोडक्ट का, एंड क्यों हम लोग तीनों फोन को छोड़कर ये फोन आपको लेने के रिकमेंड करेंगे वो भी जानने को मिलेगा ये वीडियो से। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो मैं सम्राट आशा कर रहा हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा एंड हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में एक लाइक देकर हम लोगों को जो लाइक टारगेट है वो जरूर फिल करना। कुछ भी जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, जाओ कमेंट करो, आपको कमेंट के आंसर जरूर मिल जाएगा। चैनल में नए होने पर चैनल सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना, तो इस तरह वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहेगा। तो मोटो वन फ्यूजन प्लस 17,000 रुपये में 6+128GB का आपको रैम एंड रोम दे रहा है। 24 आपको जून से सेल देखने को मिलेगा। तो ये फोन का सबसे पहला अगर आप देखेंगे इधर आपको जो स्टोरेज है वो UFS स्टोरेज आपको देखने को मिल रहा है इधर इंटरनल, एंड जो रैम है LPDDR4X रैम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये फोन का अगर हम लोग फिजिकल ओवरव्यू, बिल्ड क्वालिटी, लुक ये सब लेकर बात करेंगे तो ये फोन का लुक जो है ये कंप्लीट काफी प्रीमियम टाइप का लुक के साथ आपको देखने को मिल जाए। एंड इधर आपको एक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा जिससे क्या होगा अगर आप ये फोन हाथ में लेंगे तो जो ग्रिप है ये फोन में वो बहुत ही ज्यादा अच्छा आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपको फोन स्लिप होकर गिर जाने की तरह जो प्रॉब्लम है वो आपको फेस बहुत ही लो देखने को मिलेगा ये फोन के साथ। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात किया जाए तो ये फोन में बिल्ड क्वालिटी में प्राइस कट किया गया, इधर आपको कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिल जाएगा। हाँ, ये फोन प्लास्टिक के ऊपर मैन्युफैक्चर किया गया। 17,000 रुपाइज वाइज देखा जाए तो ये फोन अगर ग्लास बैक होता तो बहुत ही अच्छा होता था। हालांकि अगर आप इसका नेक्स्ट जो स्पेसिफिकेशन देखेंगे, स्पेसिफिकेशन देखकर आपको बिल्ड क्वालिटी को उतना कुछ ध्यान नहीं जाएगा, और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन में अगर आप कोई भी फ़ोन लेते हैं तो पीछे एक बैक कवर तो जरूर यूज़ करते हैं, तो तब जाकर ये कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा प्लास्टिक है या ग्लास है, है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग इसका फिजिकल ओवरव्यू की बात करेंगे तो इधर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलेगा, दो सिम नहीं तो एक सिम, एक एसडी कार्ड एक टाइप सेम टाइम आप यूज़ कर पाएंगे। इसका साथ आपको नीचे स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगा, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आपको ये फोन में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर डिस्प्ले की बात करेंगे तो ये फोन में 6.5 इंच का एक फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन का फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। किसी तरह नॉच, किसी तरह आपको कोई भी कटआउट कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, वी टाइप नॉच, पान छोल ये कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, कंप्लीट फुल एक डिस्प्ले इधर देखने को मिलेगा। मतलब ये फोन में आपको पॉपअप सेल्फी देखने को मिलेगा जिसके बारे में हम लोग फ्यूचर में बात करेंगे। एंड इसके साथ ये फोन में आपको HDR10 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। HDR10 का सपोर्ट होने पर ये फोन में जो व्यू एक्सपीरियंस है, कोई भी काम करेंगे उस टाइम का जो कलर है, जो क्रिस्प है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, डिटेल जो है पिक्चर का वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, जिससे आपको एक्सपीरियंस जो है ओवरऑल ये फोन का डिस्प्ले से काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। एंड इसके साथ डिस्प्ले में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट देखने को मिलेगा, बट कौन सा वर्जन का कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास इसके बारे में अभी तक हम लोगों को कुछ पता नहीं। नेक्स्ट अगर हम लोग ये फोन का प्रोसेसर को लेकर बात करेंगे जो एक बहुत ही हाईलाइटेड है ये फोन का, इधर आपको स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। 730G की तरह प्रोसेसर मोटोरोला की तरह ब्रांड, वो भी 17,000 रुपए के अंदर। आज के दिन में अगर देखेंगे 730G की साथ पोको X2 जिसका 6+128GB का प्राइस जो है 18,499 रुपीज़ प्रोबेबली, जितना मुझको पता है यही प्राइस है पोको X2 का। अगर इससे ऊपर हो नीचे हो तो मैं इधर मेंशन कर दूंगा। तो ये फोन जो है उससे भी लो बजट में आपको देखने को मिल रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। और 730G होने पर इधर जो है गेमिंग एक्सपीरियंस जो है आपको काफ़ी कमाल का मिलने वाला है। मतलब इधर आप पबजी बोलिए, कॉल ऑफ ड्यूटी की तरह गेम जो है आप 60 FPS में आराम से प्ले कर सकते ये फोन के साथ, जो है एक इस फोन का काफ़ी हाईलाइटेड एंड काफ़ी अच्छा स्पेसिफिकेशन के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग ये फोन का बैटरी एंड चार्जिंग को लेकर बात करेंगे तो ये फोन में आपको 5000 mAh की बहुत ही बड़ा एक बैटरी देखने को मिल जाएगा, एंड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ साथ ये फोन में 18W का क्विक चार्ज एडाप्टर भी इनबॉक्स दिया जाएगा, जिससे अगर आप ये फोन को चार्ज करेंगे तो ऑलमोस्ट 2 घंटे के आसपास में आपका फोन कंप्लीट चार्ज हो जाएगा। बहुत ही बड़ा बैटरी होने पर इधर बैटरी बैकअप जो है ये फोन का वो काफ़ी कमाल का मिलने वाला है आपको।
नेक्स्ट हम लोग ये फोन का कैमरा की बात करेंगे, तो पीछे आपको चार कैमरा की सेटअप देखने को मिलेगा। प्राइमरी जो है ट्रेडिशनल आज के दिन में जो बहुत ही पॉपुलर सेंसर है वो 64 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर जो है वो देखने को मिलेगा एपर्चर f1.8 के साथ। पिक्सल बिनिंग के ऊपर ये सेंसर काम करते हैं, बाई डिफॉल्ट 16 मेगापिक्सल में आप फोटो क्लिक करेंगे तो बहुत ही अच्छा फोटो आपके इधर क्लिक होते देखने को मिलेगा। 8 मेगापिक्सल का इधर अल्ट्रावाइड देखने को मिल जाएगा सेंसर एपर्चर f2.2 के साथ। इधर आपको FOV जो है प्रोबेबली 120 डिग्री के आसपास देखने को आपको मिल जाएगा। तीसरा जो है 5 मेगापिक्सल का इधर एक मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा, जिसको देखकर मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ आज के दिन में अगर मैक्रो सेंसर कोई भी फोन में देता है तो मिनिमम 5 मेगापिक्सल देना चाहिए, जिससे काम में आने वाला एक सेंसर होता है। तो ये फोन में जो है आप काफ़ी अच्छा मैक्रो फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, तो आप अगर मैक्रो फोटोग्राफी करते हो तो ये फोन आपका बहुत ही हेल्प करने वाला है ये सेगमेंट में भी। एंड चौथा एक डेप्थ सेंसिंग सेंसर है 2 मेगापिक्सल का, जिससे आप पोर्ट्रेट मोड में जो बैकग्राउंड में ब्लर देखते हो बोके देखते हो वो क्रिएट करने में आपको हेल्प करेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो कैमरा सेटअप काफ़ी इंप्रेसिव है, इधर EIS देखने को मिल जाएगा एंड अल्ट्रावाइड लेंस में भी आपको EIS देखने को मिल जाएगा। एंड इसके साथ वीडियो की बात किया जाए तो आपको 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, 180p 60fps नॉर्मल वीडियो तो देखने को मिलेगा। स्लो मोशन की बात किया जाए तो इधर आपको स्लो मोशन भी देखने को मिलेगा आपको 240fps तक। नेक्स्ट अगर हम लोग फ्रंट की कैमरा की बात करें तो फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। पॉपअप सेल्फी कैमरा के अंदर 16 मेगापिक्सल का सेंसर के अपर्चर f2.0 देखने को मिलेगा, 1 माइक्रोन पिक्सल साइज का ये सेंसर है। ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी फ्रंट कैमरा से भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा क्योंकि मोटोरोला का अगर आप देखेंगे ट्रैक रिकॉर्ड हर एक स्मार्टफोन में जो कैमरा है कैमरा काफ़ी डिसेंट होता है प्राइस वाइज, मतलब पिक्चर क्वालिटी से लेकर हर एक चीज़ काफ़ी हद तक ठीक ठाक ही आपको मिलता है। तो इस फोन में भी इस तरह का मिलने वाला चांस ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यही स्पेसिफिकेशन। इसके अलावा मोटोरोला का फ़ोन अगर लेंगे तो मोटो का जो एक्शन है, मोटो एक्शन का जो ऐप्स है, मोटो का गेस्टर है खुद का, ये सब चीज़ का एक्सेस आपको मिल जाएगा ये फ़ोन में, जिससे सेक करेंगे तो आपका फ्लैश लाइट ऑन हो जाना, नहीं तो अगर आप फ्लिप करेंगे तो फ़ोन का कैमरा ऑन हो जाना। इस तरह का काफ़ी सारा अच्छा अच्छा फीचर आपको ये फ़ोन का गेस्टर के अंदर देखने को मिलेगा जो मोटोरोला का खुद का होता है। एंड इसका ऑपरेटिंग सिस्टम ये फ़ोन में प्योर नियर अबाउट स्टॉक एंड्रॉइड, नहीं तो बोल सकते वैनिला एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस इस फोन में देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 10 के साथ। एंड आने वाली टाइम में इधर आपको मेजर जो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है एंड्रॉइड का वो भी इधर आपको मिलने वाला है ये फोन से। तो ओवरऑल देखा जाए तो 17,000 रुपये में एक कंप्लीट पैकेज के साथ मोटोरोला ये फोन लॉन्च किया। एंड ये फोन अगर आप लोगे तो आपको काफ़ी एडवांटेज मिलेगा लो प्राइस के अंदर कंपेयर टू बाकी सब ब्रांड के अंदर से। तो ये फ़ोन आप ऑब्वियसली ले सकते हो। हाँ, इधर आपको डिस्प्ले में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलेगा, 60Hz का डिस्प्ले है बट उतना भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि अगर आप देखेंगे 90Hz का डिस्प्ले के साथ अगर 730G को अगर कंबाइन करेंगे, 730G से 90Hz नहीं तो 120Hz का अचीव तो हो जाएगा नॉर्मल UI के ऊपर, बट गेमिंग की बात किया जाए तो गेमिंग में उतना काम में आने वाला नहीं है 730G जितना मुझको पता है। देखिए पबजी की तरह गेम आप प्ले नहीं कर सकते बट लाइटली कुछ गेम है जो आपको 90Hz अचीव कर सकते हैं, नहीं 120Hz अचीव कर सकते, तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहे वो चीज़। बट मैं बोलूँ तो 60Hz ये फ़ोन के लिए मोर देन इनफ है। और हम लोग क्यों 90Hz 120Hz गिमी की चीज़ है उसके ऊपर भी हम लोग एक वीडियो बनाया था, वो भी आप एक बार विजिट करके देख सकते हैं। तो आई होप आपका ये वीडियो अच्छा लगा। आने वाली टाइम में हम लोग Poco X2 बोलिए, Realme 6 Pro बोलिए ना, तो Redmi Note 9 Pro Max के साथ ये फ़ोन का कंपैरिजन फ्यूचर में ऑब्वियसली करेंगे और आपको बात करेंगे। तो हम लोगों की तरफ से अभी तक इसके बारे में 100% रिकमेंडेशन रहेंगे। अगर आप फर्स्ट सेल में ले सकते हैं तो ऑब्वियसली 24 जून में जो सेल है उसमें ये फोन को बाय कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में एक लाइक देकर हम लोगों को लाइक करके जरूर फील करना। कुछ भी जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन है जाओ, कमेंट करो, कमेंट का आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। चैनल में नया होगा चैनल सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन जो है बजा देना, तो इस तरह वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फिर एक नया वीडियो मुलाकात करता है, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा।